गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू शुड आस्क योर क्वेश्चन। अभी मैं बात कर रहा था जो लोग जुड़े हैं उनसे कि फिफ्थ क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ ये सब कैलकुलेट करना सीख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और आपको पता है कि आपके चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कुछ नए चीज भी आई हुई है, को प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 ही स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें भी आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जो ब्लू प्रिंट आप लोगों के पास शेयर किया गया है क्लास 6 मैथ्स में, उस ब्लू प्रिंट में चैप्टर 1 यानी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, चैप्टर 3 इंटीजर्स, इन तीनों चैप्टर से 999 मार्क्स के आएंगे, यानी 50 में से 27 मार्क्स के तो इन्हीं तीन चैप्टर से क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो अगर इन तीन चैप्टर्स को हम अच्छे से स्टडी कर लें तो 50% मार्क्स तो हमारा श्योर हो गया। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कौन बतलाएगा भाई, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स? किसी को ध्यान है? चलिए, कोई नहीं, मैं बतला दे रहा हूं। ऐसे नंबर्स जो केवल अपने टेबल में आते हो या फिर केवल 1 से ही डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। या इसको और थोड़े से अलग लैंग्वेज में जानना चाहें तो ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर है केवल 2 ही हो, एक 1 और एक नंबर वो खुद, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब मतलब इसका ये हुआ कि कोई ऐसा नंबर जो केवल अपने टेबल में आता हो, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है भाई, जैसे 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा, 3 आप चेक करके देख लीजिए, 3 केवल 1 के टेबल में आएगा या फिर 3 के टेबल में आएगा। और बतलाइए प्राइम नंबर्स सर? 5। यस, 5, 7, 9 भी होगा क्या? नो सर, 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9, 1 और 9 के टेबल में तो आता ही है, साथ ही साथ 3 के टेबल में भी आता है। हाँ, जबकि हम लोगों ने बात किया था कि प्राइम नंबर का मतलब वो हुआ जो या तो 1 के टेबल में आएंगे या खुद के टेबल में आएंगे। ठीक है, इस तरह के हमारे जो है दो ही टेबल, मतलब प्राइम नंबर समझ गए। अब जैसे एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बनता है कि राइट द लोएस्ट प्राइम नंबर। अब लोएस्ट प्राइम नंबर क्या होगा भाई, क्या होगा लोएस्ट प्राइम नंबर? 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। फिर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स के क्या होंगे कि 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे, यानी वो अपने टेबल में तो आएगा ही, 1 के टेबल में तो आएगा ही, साथ ही साथ किसी और भी नंबर्स के टेबल में आ सकता है। जैसे 9, अभी बात हो रही थी 9 की, कि 9 1 के भी टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो 9 कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि अपने टेबल के अलावा वो और भी टेबल्स में आ रहा है। इसी तरह 4 भी 1 के टेबल में तो आता ही है, 4 के टेबल में तो आता ही है, साथ ही साथ 2 के टेबल में भी आता है। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद बेटा आपका होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या था? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, जो 1 से हम लोग काउंट करते हैं 9 तक के नंबर्स, वो सब के सब नेचुरल, मतलब सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। और वहीं अगर होल नंबर्स नाम ले लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर्स, तो उसमें बस ये एक चीज चेंज आ जाता है, ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। अगर हम जीरो को छोड़कर 1, 2, 3, 4 लिखते जा रहे हैं तो ये सब तो हो गया नेचुरल नंबर, लेकिन इसी में अगर हम जीरो बढ़ा दें तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चारों पॉइंट्स है। अब देखिए,
इसी चैप्टर में मैं देख रहा हूं आगे कुछ क्वेश्चंस फील। अच्छा हाँ, एक और बात, 1 मार्क्स के देखिए कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 4 to 6 और 4, 6 और 5, 11 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 11 क्वेश्चंस हैं। और ये 11 क्वेश्चंस बेटा जब 1 मार्क्स के हैं तो जनरली ये ट्रू फॉल्स होगा या फिल इन द ब्लैंक होगा या टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद अगला देखिए वर्कशीट 1 में। अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो सीधे वो प्रॉब्लम पूछे, फिर मैं अपनी बात तो बोलता ही रहूंगा। नो चलिए तब मैं एक तरफ से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को लेकर आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले रहा हूं। ट्विन प्राइम्स क्या थे? ट्विन प्राइम्स था कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए ना, जैसे ऐसे दो प्राइम नंबर्स ले लीजिए 7 एंड 5, 7 और 5 का डिफरेंस क्या आया, 2, 2 से हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। चलिए अच्छा हाँ, डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। अब वो कौन सा आएगा, किस डिविजिबिलिटी से रिलेटेड आएगा, ये तो कल उस दिन पेपर में ही पता चलेगा, लेकिन सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जान रहे हैं कि 2 से 4 से, और ऐसा करते हैं ध्यान रखिए, 2 से अगर ध्यान दें तो 2 से तो बहुत आसान है चेक करना, हम जो भी नंबर दिया है उसके वंस प्लेस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया 2, 3, 6, 4, 9, 2, तो वंस प्लेस के नंबर को देख लेते हैं हम लोग। अगर वंस प्लेस का नंबर कोई इवन नंबर है या 0 है तो हम समझ जाएंगे कि वो 2 से डिवाइड होता है, सही है। इसी तरह अगर 4 से पूछ लिया कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड के लिए हम लोग कैसे चेक करते थे, वंस और टेंस, वंस और टेंस मिलाकर यहाँ क्या होगा नंबर 92, 92 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद 8 का क्या रूल था, 8 में हम लोग 100 तक का नंबर लेते हैं, वंस टेंस 100, 100 तक का नंबर ले। अब 100 तक का नंबर ले लिए, अब इसको 8 से डिवाइड करके आप देख लीजिए, अब अगर ये डिवाइड हो जा रहा पूरा पूरा तो इट मींस कि ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2, 4 और 8 की बात हुई कि कैसे हम चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगला है देखो 5 का, डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 का रूल क्या है, या तो 0 हो वंस प्लेस पर या फिर 5 हो, या फिर 5, अगर इन दोनों चीजों में से कुछ भी है तो वो नंबर 5 से डिवाइड जरूर हो जाएगा। ओके जरा 1 मिनट देख लूं, कुछ और बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड 9। अब 3 और 9 का रूल देखिए, दोनों का बहुत सिंपल है। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इन सारे डिजिट्स को आप आपस में ऐड कर दीजिए और ऐड करने पर जो कुछ आए, यदि उसे 3 से डिवाइड करते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड माना जाएगा। अब देखिए बेटा इसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5, ऐड कर दीजिए कितना आ रहा है, 29 आ रहा है ना। अगर 29 को 3 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो हम कहते कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो हम समझ जाएंगे कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और सेम रूल 9 के लिए भी लगेगा, सारे के सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करिए,
अगर वो पूरी पूरी तरह से सम जो है डिवाइड हो जा रहा 9 से, तो वो 9 से डिविजिबल माना जाएगा। तो ये तो रही अभी बी और 9 के डिविजिबिलिटी रूल का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में, जनरली 3 का, 9 का, 11 का या फिर 8 का क्वेश्चन आता है जनरली, आने को तो कोई भी आ सकता है। अब 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे सीख लीजिएगा। 3, 4, 6, 2, 1, 9, 5, कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इस नंबर में हमें क्या करना है, अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सबसे पहली चीज कि इसमें देखिए दो तरह के प्लेसेज हैं, जो पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, फिफ्थ स्थान पर है, सेवेंथ स्थान पर है। तो 1, 3, 5, 7 ये तो ऑड प्लेसेज है ना, तो ऑड प्लेसेज का सम कर लीजिए और इवन प्लेसेज का सम कर लीजिए। अब यहाँ जनरली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, मैंने देखा यूनिट वन वगैरह में भी, कि बच्चे ऑड नंबर्स का ही सम कर लेते हैं। जैसे ये 3 है, यहाँ 1 है, 9 है, 5 है, इनका सम कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका तरीका देखिए, ये 1 फर्स्ट प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस, ये सेकंड पर है, तो ये इवन, ये हो गया ऑड प्लेस, ये हो गया इवन प्लेस, ऑड इवन और। अब देखो बेटा, अब जब हम लोगों ने ऑड प्लेस को पहचान लिया, ऑड प्लेस मतलब जो फर्स्ट पे आए, थर्ड पे आए, फिफ्थ पे आए, सेवेंथ वाले स्थान पर आए, उन सबको हम ऑड प्लेसेज वाले नंबर कहते हैं। और जो टू वाले प्लेस पर, फोर वाले प्लेस पर, देखिए 1, 2, 2 वाले प्लेस पर 4 है, 3, 4, 4 वाले प्लेस पर 2 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर, ठीक है। अब हम लोग सम ऑड प्लेसेस का सम निकाल लेते हैं। ऑड प्लेसेस पर 3 + 6 + 1 + 5 ये ऐड करने पर आ गया भाई 15, और इवन प्लेसेस का भी सम कर लीजिए। इवन पर है 4 + 2 + 9, ये ऐड कर लिए तो ये भी आ गया 15, इत्तेफाक से 15 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है, तो डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस करके, ऑड प्लेस में से चाहिए तो बड़ा है उसमें से छोटा करके माइनस कर दीजिए, यहाँ तो दोनों इक्वल है, ये आ गया 0। अगर इतना प्रोसेस करने पर डिफरेंस 0 आ गया या 11 आ गया या फिर 11 के टेबल में का कोई नंबर आ गया, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने सम ऑफ ऑड प्लेसेस निकाला, सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाला, तो दोनों 15 15 आया, डिफरेंस आ गया 0, 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। और या अगर मान लो यहाँ आता 11 या 33, कोई ऐसा नंबर आ जाता जो 11 या 11 के टेबल का है, तो भी हम समझ जाते कि ये 11 से डिवाइड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, तो इस तरह के क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि अब किसी को डाउट नहीं है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ ले भाई, कोई डाउट किस तरह के क्वेश्चंस में डिविजिबिलिटी वाले? नो सर। नो, ठीक है बेटा, चलिए आगे इस टाइप में। अब हाँ, एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए फिर से ही हम लोग सीखे हुए हैं। इस क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ का एक और रूल सीखा, डिवीजन वाला। जैसे अगर मान लीजिए आ गया 3, 12 और 3, 7 और 12 आ गया, ठीक। अब इसका अगर हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, क्लास 5th में हम लोगों ने फैक्टर्स वाला रूल सीख लिया था, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फिर उसमें से एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। आप सबको याद होगा 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 3, फैक्टर्स मतलब जिस जिस टेबल में ये नंबर आता हो। 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 7
और 12 का फैक्टर क्या होंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 में, 3 में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में आता है। तो ये सब तो फैक्टर्स हो गए, अब कॉमन फैक्टर्स क्या हुए बेटा, इन तीनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है, देखिए जो तीनों में आया, बाकी कोई नंबर तीनों में नहीं आया, एक 3 आया है, तो 3 तो तीनों में आएगा तब ना उसको कॉमन माना जाएगा, केवल 2 में ही आया, 1 जो है कॉमन फैक्टर हो गया, एंड एचसीएफ इज 1। ध्यान आ रहा है, ये तो फैक्टर्स मेथड के थ्रू हम लोग करना सीखे थे। 15 इस साल क्लास 6 में हम लोगों ने डिवाइड मेथड सीख लिया है, जो कि और भी अच्छा है, जल्दी रिजल्ट आता है। जैसे एक क्वेश्चन था, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 27, 341 और कोई भी एक नंबर ले लीजिए भाई, 125, ये 3 नंबर ले लिए, पूछ रहा है इसका एचसीएफ। अब इतने बड़े बड़े नंबर का तो हमको पता नहीं ना किस किस टेबल में आएगा, तो हम डिवीजन रूल लगाते हैं, डिवाइड रूल। क्या करते हैं, एक नंबर से पहले किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को, बड़े छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दीजिए। जरा ऐसे डिवाइड करिए, 1 टाइम गया 27, 7 1, अब कितनी बार जाएगा भाई, 3 टाइम्स तो नहीं हो पाएगा, तो हो जाएगा 27 into 3 81 होगा, नहीं हो पाएगा तो 2 टाइम्स हम लेंगे, तो ये 54, यहाँ माइनस करने पर आ गया 7 1। अब इस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ ले लेते हैं 27, अब 27 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा भाई, यहाँ बच गया हमारे पास 10, अभी भी बचा हुआ है रिमाइंडर, अब इससे इसको डिवाइड कीजिए 17 को, 1 10 टाइम्स। ये मैंने रैंडम कोई नंबर लिया है, आपको जनरली जो बुक में नंबर दिया रहेगा या पेपर में ऐसा दिया रहेगा कि एक ही दो बार में वो कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ 10, और फिर से 1 टाइम्स, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से कैंसिल ना हो जाए। 3 2 जा, मैं इसके आगे कर रहा हूँ यार, 3 7, 3 2 जा 6, तो यहाँ 1 बच गया, अब इस 1 से 3 को डिवाइड करिए, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 3 जा 3, यानी कि अब 1 आया, अब इस 1 से नेक्स्ट मतलब जो भी नंबर आएगा, रुकिए एक नंबर ऐसा लेता हूँ जो बुक का ही हो, बेहतर रहेगा, जल्दी उसको एक ही जगह पे, मेरा बोर्ड छोटा है। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से एक क्वेश्चन है 144, आप सब भी इसे ट्राई कीजिए, 384 और है 120। अब इसको देखिए, किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए 144 से हम डिवाइड करते हैं 384, तो 2 टाइम्स जा सकता है 288, 6 और यहां पर आ गया कितना आ जाएगा 9, सही है। अब इस 96 से 154 को डिवाइड कीजिए, जिससे डिवाइड किए थे पहले, कितनी टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यहां से चेक कर लीजिए, 6 7 में से 8 माइनस हुआ, 17 माइनस 8 तो 9, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 96 8 और यहाँ कितना हो गया भाई 4 96। अब देखिए 48 2 जा 96, ये कैंसिल, अब जितना से ये देखिए यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। अब इससे आप जो नेक्स्ट नंबर है यानी 120 को डिवाइड कीजिए 48 से, 48 2 जा 96 4 और यहाँ कितना बच गया भाई 2,
अब इस 24 से 48 को डिवाइड कर दीजिए टू टाइम्स, जो एचसीएफ हमारा आया वो एचसीएफ हो जाएगा जो लास्ट में डिवाइड जिससे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, आप लोगों ने सॉल्व किया इसे? यस सर। कितना आया आंसर? 24 बिल्कुल सही है। तो एचसीएफ इज 24। ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस तरह क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लीजिएगा। एक मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ बेटा, जरा कोई जो एलसीएम निकालना आप सबको आता है? एलसीएम निकालने का तरीका हम लोग जान रहे हैं डिवीजन में से, मतलब ऐसे हो जाता है किसी को एलसीएम में भी प्रॉब्लम है तो बोले नहीं है। चलिए अब इसमें एक और जो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स तो मैंने बोला ही कि आपको नोटिस करना है। हाँ, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा वो फार्मूला आप लोग याद होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ध्यान आ रहा है? ये फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कभी? ऐसे लिखा हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी ध्यान आया? यस सर। बेटा ये फार्मूला याद होने के बाद भी मैंने देखा यूनिट वन में कई बच्चे गलत किए। रीजन, अब जैसे एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, वर्कशीट 7 में मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, जैसे द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर्स का एचसीएफ दिया है 16 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया है 3072 और एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई? यहाँ एक नंबर दिया है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई से जब इस साइड आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 3072 अपॉन 16 इज इक्वल टू एलसीएम। इसी फार्मूले को हम उलट कर भी लिख सकते थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, अब जो आंसर आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और क्वेश्चन बताइए वर्कशीट 2 में। हमको लग रहा है हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बतलाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, वर्कशीट 7 में क्या सर? 6 वर्कशीट 7 का 6 वाला क्वेश्चन, ठीक। चलिए, दिया हुआ है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, इसी को मैं फॉर्मूले को, एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया हुआ है, देख लूं वो ऐड हो गया कि नहीं। वेट करिए थोड़ा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, क्या क्या है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, द नंबर आर, दो नंबर दिए हैं, तो हम लोग पहले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम है 1760, तो एलसीएम के पास लिख दिए,
एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है, उसको उसी तरह रहने दिए। फर्स्ट नंबर है आपका 160 एंड सेकेंड नंबर इज 352। ये दिया हुआ है तो एचसीएफ इज इक्वल टू, अब देखिए भाई 160 इंटू 352 तो राइट साइड है ही, और ये एलसीएम वाला नंबर जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 1760। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और अब इसको जरा डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, आप लोग अपने से कैलकुलेट कीजिए। 16 से ये 11 बार में कैंसिल हुआ, 11 से कैंसिल करें तो 3 कितना, 32। एलसीएम शुड बी 32। फार्मूला याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन को, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन चैप्टर वन में भी देख लिया जाए, और पूछिए जिसको जो प्रॉब्लम है पूछिए बेटा, अपना अपना क्वेश्चन, हर एक चीज को मैं नहीं यहाँ एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना, 1 आवर में कितना होगा, आपको जहां जहां प्रॉब्लम है आप अपना क्वेश्चन पूछिए। रोमन नंबर सबको आते हैं? यस सर। चलिए एक आप रोमन नंबर से भी क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया 216 माइनस 174, इसका जो डिफरेंस है उसको रोमन नंबर में नोट कीजिए, बताइए डिफरेंस कितना आ रहा, कैलकुलेट इट एवरीवन। कैलकुलेट करिए डिफरेंस कितना आया भाई, कोई बतलाया नहीं मुझे अभी तक। 42 कितना आ रहा बेटा, 42। हाँ चलिए 42 को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो एक्स एल ये तो हो गया 40, एल का मतलब 50 होता है और एक्स का मतलब 10, और अगर पहले लिखा है एक्स तो माइनस हो जाता है, 50 माइनस 10 यानी 40, और उसके बाद 2 है ना, यही होगा, इज इट राइट? यस सर। हाँ ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं रोमन नंबर्स वाले तो आप ट्राई करिएगा, उसे करिएगा कंप्लीट। चलिए इंटीजर्स, इंटीजर्स में देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है भाई, किसी को बतलाए। इंटीजर्स में नंबर लाइन तो आता है सबको, एक आप क्वेश्चन, पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव नंबर्स कर लेंगे। इसरात माइक म्यूट कर दीजिए, एक मिनट भाई, फिर से कोई है, हाँ बताइए कौन सा। इंटीजर्स का ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर मतलब इंटीजर्स का ना ब्रेन टीजर, चलिए बताइए क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बेटा ब्रेन टीजर में कौन सा, इंटीजर्स में भाई बतलाएंगे तभी ना। 9 का सी क्वेश्चन, इसका 9 का सी, 9 का सी, यस सर, क्या है फाइंड द वैल्यू। अच्छा इसराक ने पूछा तो था ये क्वेश्चन मुझे लगा, चलिए ग्रेड नंबर मतलब 9 का सी है इंटीजर के ब्रेन टीजर, 9 का सी 5 का स्क्वायर इंटू
माइनस वन की पावर 19 इंटू माइनस टू की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू माइनस 10 की पावर 3। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान क्या देना होता है, वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको इसकी। तो सबसे पहला काम देखो क्या करते हैं, ये 5 का स्क्वायर को तो हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू अब देखिए जब भी किसी निगेटिव नंबर का पावर कोई ऑड नंबर हो, 19 इज ए ऑड नंबर, अगर 18 होता तो इवन नंबर होता। तो जब भी किसी निगेटिव नंबर के पावर में कोई ऑड नंबर होता है तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव आता है। जैसे अगर मैं कहता माइनस वन की पावर 2 और माइनस वन की पावर 3, तो देखो ये ऑड नंबर है तो इसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, देखिए पावर में 3 है, और ये इवन नंबर है पावर में 2, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देखिए कैसे, माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। वन वन का तो मल्टीप्लाई वन ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इस बारे में वन 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 का मल्टीप्लाई तो वन आया, लेकिन एक माइनस दूसरे माइनस के साथ तो प्लस हो गया, लेकिन तब भी एक माइनस बच जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी पावर में कोई ऑड पावर है निगेटिव नंबर के तो उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा, और अगर वन रहता तब तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वन का रिजल्ट वन आता। निगेटिव नंबर के केस में याद रखिएगा कि माइनस वन की पावर 19 था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन इंटू। अब देखिए माइनस टू के पावर 3 है तो निगेटिव नंबर के पावर ऑड पावर है तो रिजल्ट में निगेटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको अभी ओपन करके माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू थ्री, थ्री थ्री के पावर 2 है तो 9 इंटू, यहाँ भी पावर ऑड पावर है, माइनस 10 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 10। अब कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ गया 25 इंटू, अब माइनस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक माइनस बच रहा है। तो सबसे आगे में एक माइनस लगा दो, सबसे आगे में एक माइनस लगा दो। अब देखिए 2 2 4 2 8 इंटू 9, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए कितना आया, माइनस 25 8 जा कितना होता है 200 इंटू 9 इंटू 1000। अब 200 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के आगे आ गया 50 इंटू 9, और यहाँ आ गया 9 2 18 के आगे 50। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसको देखकर परेशान नहीं होना है, पावर ऑड है तो निगेटिव नंबर के पावर में ऑड होता है तो रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। भाई 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही ना आएगा। उसके बाद याद होगा आप लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों ने सीखा था इंटीजर में, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है सर? हाँ, वन का वन पे पावर पे जितना भी लग जाए वन ही आएगा ना? अगर पाज हाँ कितना भी लग जाए वन ही आएगा। और प्लस माइनस का हिसाब कैसे होगा, अगर पावर ऑड है निगेटिव नंबर है ब्रैकेट में तब तो रिजल्ट भी माइनस वन आएगा, और अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जो है एडिटिव इनवर्स कितना होगा किसी ने, मतलब इंटीजर का एक लाइन ऐसे थी ना, देखो जरा कहा है वो,
एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन। हाँ एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन कितना होता है बेटा? अरे एडिटिव इनवर्स कह रहा हूं यार, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कितना होता है, कोई बताएगा? देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड किया जाए तो वही नंबर आ जाए। बतलाओ थ्री में कितना ऐड करें? जीरो। जीरो, इसका मतलब जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा कि किसी नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट वही आ जाए? वन। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया वन और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन हो गया जीरो। सही है ये? यस सर। और पूछिए क्वेश्चन क्या है बताइए। नेक्स्ट ब्रेन टीजर से ही कुछ समझा देता हूं बेहतर रहेगा। कोई गया इसमें भी क्वेश्चन? हाँ नंबर लाइन पर तो ड्रा करने आता है ना सबको। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह वाला देख लीजिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसे आपके वर्कशीट का मैं बतला रहा हूँ, वर्कशीट सिक्स में क्वेश्चन दिए हैं कैलकुलेट करने के लिए। जैसे अच्छा चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कंपेयर वाला, सेवन प्लस सिक्स इंटू टेन, और कंपेयर करना है सेवन प्लस सिक्स इंटू टेन, दोनों इक्वल होंगे कि क्या? तो इसको यहाँ पर ही साल हम करते चलते हैं, ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों दोस्त हुए, सेवन प्लस थ्री सिक्स थर्टीन इंटू टेन, सेवन प्लस अब सिक्स केवल टेन के साथ मल्टीप्लाई है तो ये सिक्सटी आ गया, ये आ गया वन थर्टी और यहाँ आ गया सिक्सटी सेवन, ये ग्रेटर हुआ। इस तरह से हम कंपेयर कर लेंगे अगर कंपेयर का क्वेश्चन आता है तो। एक क्वेश्चन इसी के पहले वाले में देखिए, जैसे थ्री टू सिक्स इंटू माइनस वन जीरो एट प्लस थ्री टू सिक्स इंटू एट। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में हमको देखना, देखिए यहाँ दो फैमिली है एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि प्लस लग गया है बीच में, प्लस के लेफ्ट साइड वाली एक फैमिली, प्लस के राइट साइड वाली एक फैमिली है, ठीक है। लेकिन इन दोनों फैमिली में एक खास बात है कि देखिए इसमें भी 326 है, इसमें भी 326 है, तो इन दोनों में से 326 को बाहर ले लीजिए कॉमन। तो अब लेफ्ट साइड क्या बचा प्लस के? माइनस 108, और राइट साइड क्या बच गया? 8। देखिए 326 को दोनों जगह से हमने यहां निकाल लिया था, अब ब्रैकेट में बचा माइनस 108 और प्लस 8। अब 108 में से 8 को माइनस करिए, माइनस 100 आएगा क्योंकि साइन बड़े वाले की लगती है सब्ट्रैक्ट करने पर। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 326 डबल 0, दिस विल बी द आंसर। इस तरह क्वेश्चन आए तो करिएगा, ओके। चलिए एंगल्स पहले देख लेते हैं, एंगल से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि किसी चैप्टर से अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बी अलर्ट अबाउट इट। सबसे पहली बात कि अभी ऐसा कोई स्टूडेंट है जुड़े में जो एंगल्स नहीं ड्रा कर पाता? सबको आता है एंगल ड्रा करने? यस सर। ठीक है, क्योंकि
चूंकि बात एंगल चैप्टर की हो रही है तो मे बी की अलग अलग एंगल जैसे 120 डिग्री या 70 डिग्री या कुछ और भी एंगल ड्रा करने के लिए आ जाए प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ड्रा कर पाएंगे, ऐसा कोई तो नहीं है जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है एंगल ड्रा करने में। दो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने यहाँ सीखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स और सप्लीमेंट्री। ये तो एकदम याद ही होना चाहिए सबको कि क्या मतलब हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर दो एंगल्स हैं और उन दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर आना चाहिए, 90। और सप्लीमेंट्री में दोनों का एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि भाई ये फिगर है और यहाँ एक एंगल एक्स है, ये एंगल दे दिया मान लीजिए 43 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स और 43 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी एक्स प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अब ये 43 को जब राइट से लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, अब जो आएगा दैट विल बी द आंसर, कितना आंसर 7 और यहाँ पर 8 है तो 47 डिग्री। ठीक है, हम फिगर देखकर समझ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है, हम देखकर समझ जाएंगे कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, कह देगा कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बतलाइए, क्या होगा 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, अरे इसमें कितना ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, 20 यानी 20 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा अब बताओ 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अरे इसमें कितना ऐड कर दे कि 90 हो जाए, वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 45 है 45 ऐड करोगे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। अच्छा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ इसी तरह आप सप्लीमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा इनको कोई पेयर भी कहते थे ना 90 डिग्री के उसको, हाँ एडजेसेंट एंगल्स कहते थे हम, कि अगर दो एंगल्स ऐसे हैं इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते थे, एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट एंगल कहते हैं, क्योंकि इनका वर्टेक्स तो कॉमन है और इनके मतलब एक आर्म भी कॉमन है, आपको पता है एंगल दो आर्म और एक वर्टेक्स से मिलकर बनता है, यहाँ दो एंगल बन रहे हैं और दोनों के बीच में जो एक आर्म है वो कॉमन है। तो सप्लीमेंट्री वाले देखते हैं, ये बेटा किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए अभी तुरंत, अननेसेसरी आवाज आ रही। अब देखिए ये यहाँ एक्स है और ये है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री होता है पूरा का पूरा, यस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यानी x और 120 का सम कितना आना चाहिए, 180। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 डिग्री 120, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री 120 डिग्री का क्या हुआ, सप्लीमेंट।
120 का सप्लीमेंट हो गया 60 डिग्री, यानी डिग्री जो भी नंबर, जैसे अगर मैं पूछ दूं 130 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? अरे इसमें कितना ऐड करोगे तो 120 होगा, 180 में से माइनस 50 डिग्री, 180 में से माइनस कर लिया करो जो भी दिया रहे 50 डिग्री। तो अच्छा इस तरह के पेयर को क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, हाँ लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। अब एक और था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान है सबको? यस सर। अगर ऐसे प्लस बन गया चाहे क्रॉस बन गया, ये जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। देखिए इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। इसी तरह इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का यह एंगल वर्टिकली अपोजिट हुआ। इसको लेकर तो किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। तो चलिए मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। यस सर, यस सर। वन टू थ्री फोर, बताइए किसी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम बताइए पेयर। सर वन का थ्री, वन का थ्री, बिल्कुल सही, थ्री, ये दोनों इक्वल, नंबर वन इज इक्वल टू एंगल थ्री और एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। बहुत अच्छे। और क्या दिया हुआ है बाकी? रिफ्लेक्स एंगल ड्रा करने आता है सबको? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सर 180 डिग्री से ज्यादा बड़े, हाँ 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 से छोटा कम होना चाहिए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी अलर्ट अबाउट इट। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, बेटा माइक म्यूट कर लीजिए, हमारे जो यहाँ से लग रहा आवाज आ रही। हाँ क्वेश्चन है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60.5 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन बतलाएगा? जल्दी से बतलाइए, इसको 90 में से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90, 60.5 माइनस कर देंगे 5, 9 और यहाँ कितना आया भाई 2, 29.5। ठीक है, ये लग रहा मोबाइल में, इंस्ट्राइक के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज आने में फंस रही है। चलिए एक अच्छा ये देखिए कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन 6 हो गया, फिर इस साइड फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर और भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ओके ओके सर। चलिए तो एंगल से उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छा करेंगे। अच्छा हाँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर ध्यान होगा कि अगर किसी के एंगुलर रीजन में कोई पॉइंट है, जैसे इसका इस एंगुलर एंगुलर रीजन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई पॉइंट है बी क्यू आर, तो ये सब इंटीरियर पॉइंट्स हुए, ठीक है, इंटीरियर में हुए, और अगर इसके बाहर कहीं कोई पॉइंट है तो वो एक्सटीरियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पीछे चैप्टर्स में और देख देते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करना। आपको पता है कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो जाहिर सी बात है कि लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए आएगा, तो स्केल से तो हम सब लाइन ड्रा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए अगर आ गया क्वेश्चन में
कि कोई लाइन पी क्यू है जो 6 सेंटीमीटर की है, इसको आप ड्रा कीजिए कंपास। तो तरीका क्या सिखलाया गया था, सबसे पहले हम लोग स्टेप वन क्या लिखते थे, पहले तो एक लाइन ड्रा कर लो स्केल से, स्केल से ही एक लाइन ड्रा कर लीजिए, उसका जो भी नाम देना है दे दीजिए। उसके बाद हम स्टेप लिखते थे, टेक ए पॉइंट, मान लीजिए मैं ए ले रहा हूं, टेक ए पॉइंट ऑन लाइन एम, वही एक लाइन एम है उस पर एक पॉइंट ए मैंने ले लिया, ये लाइन एम है इस पर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया। जो भी नाम लेंगे आपके कंस्ट्रक्शन में भी वही नाम दिखना चाहिए। स्टेप वन हमने लिख दिया, टेक ए पॉइंट ए ऑन लाइन एम, ए पॉइंट ले लिए। स्टेप टू हम क्या लिखते थे कि ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ पी क्यू, कंपास का माउथ ओपन करेंगे, कंपास का माउथ ओपन करेंगे, नीडिल को यहां रखेंगे और पेंसिल को क्यू पर रखेंगे, उतना माउथ ओपन करेंगे। तो वही मैं लिख रहा हूं कि ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट द लाइन एम एट पॉइंट बी। बात को समझिए, मैंने कंपास का माउथ ओपन करके इतना नाप ले लिया, अब जो माउथ ओपन हो गया उसको विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास पुट द नीडल एट पॉइंट ए एंड ड्रा एन आर्क विच कट लाइन एम एट पॉइंट डी, और यही जो होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी 6 सेंटीमीटर। कर लेते हैं आप लोग लाइन ड्रा। सर अगर मतलब करते टाइम पेपर में 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा या घट गया या बढ़ गया तो सर मार्क्स कट जाएगा, वो गलत हो जाएगा ना, तब आपने किया कैसे, तब तो आपने गलत कर दिया। आप कोशिश करिए कि ज्यादा बड़ा लेंथ तो आता नहीं है, तो कोशिश ओपन कर लिए वो फिर डिस्टर्ब ना हो, कोशिश करिए थोड़ा बहुत एक एमएम 2 एमएम इधर उधर हो जाता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आगे पीछे हो जाएगा भाई, तब तो गलत हो जाएगा ना। और सर पेंसिल से कोई एंगल या लाइन नहीं बनानी ना, पेंसिल से ही कंस्ट्रक्शन का सारा काम पेंसिल से करिएगा, बस स्टेप आप पेन से लिख सकते हैं। जहाँ भी एंगल बेटा माइक म्यूट करिए, देखिए एंगल आप ड्रा करना है तो उसको पेंसिल से ही ड्रा करेंगे, और कितने डिग्री का एंगल ड्रा किए उसको लिखेंगे भी। ओके, तो इस तरह से आप लाइन वाले क्वेश्चन से लाइन सेगमेंट से कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। अब रह गई बात एक चैप्टर नंबर 8 जो है हम लोगों का, क्या नाम है भाई उस चैप्टर का, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल सही, इसमें से देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे हैं। देखिए इसमें भी कुछ टर्म्स हमें ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, इंटरसेक्ट लाइन किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती हैं, ध्यान आ रहा सब। पैरेलल लाइन सर यानी दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी काट ना रही हो, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना हो, जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे वो सब पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन या ट्रांसवर्सल, जो अभी ट्रांसवर्सल बात छोड़ी, इंटरसेक्टर लाइन की बात हो गई कि दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करे। हाँ जैसे ये दो पैरेलल लाइन है एम और एल, और एक लाइन ये जो है ये हो गई इंटरसेक्ट लाइन। तो कभी फिगर देकर पूछ सकता है कि दो पैरेलल लाइन का नाम लिखिए, दो इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम लिखिए, तो आई होप कि आप सब कर पाएंगे इसे। यस सर। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ कि एक ही लाइन पर अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स है, जैसे ये मान लीजिए 3 लाइन्स है, ओके
और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है एम एन एल और यहाँ एस ले लिए। अब ये देखिए तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये देखिए इस पर तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स है ना, इसलिए को लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए तो सारे टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, एक आप क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से। ये ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इसी में सारे क्वेश्चन का हमको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं ये थ्री पैरेलल लाइन दिया हुआ है और एक लाइन ऐसे है नो इंटरसेक्ट किया और एक लाइन ऐसे ऐसे। देखिए फिगर ब्रेन टीजर में दिया हुआ है, सभी लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। इन लाइंस का नाम दिया हुआ है एल एम एन एल एम एन, ये लाइन पी है और इन लाइंस का नाम भी दिया हुआ है क्यू एंड आर। आर सर्विस पेज और मेरे में तो 135 है, ओल्ड बुक है मेरी। आप लोग देखिए ना ब्रेन टीजर का आप लोगों का क्वेश्चन जो आप डायग्राम बना रहे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ ये फिगर नहीं है आप लोगों ने? सर है कोई बात नहीं। आई ये जे पॉइंट हो गया, ये डी और ई पॉइंट है और ये पॉइंट के है, ये एफ है। चलिए इसमें देखिए ए बी सी, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रखा है इसने। ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के कितने पेयर बन रहा है बतलाइए। दो दो लाइन का पेयर बनता है, पेयर का मतलब दो लाइंस, तो पेयर पैरेलल लाइन के एक एल एम बना, एक एम एन बन गया और एक कौन सा बनेगा एन और एल, यही ना थ्री पेयर्स बन रहे हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और एल और एन पैरेलल हैं। इज इट राइट? हेलो क्या बात है, समझ में नहीं आया? यस सर। समझ में नहीं आया कि समझ में आया? सर आ गया। ठीक, ना समझ में आया पूछिए उसे। अगला क्वेश्चन, फोर पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का चार पेयर बतलाइए। फोर पेयर्स, पहला पेयर तो हो जाएगा ये लाइन पी, देखिए लाइन पी और लाइन एल, पी एल पहला पेयर होगा, पी एम दूसरा हो गया। आप लोग बोलिए और लोग बोलिए, क्यू कोई बोल रहा था, Q और N कर लो, N यहाँ आया Q यहाँ, N और Q एक पेयर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का। एक पेयर R से बना लेते हैं, R और M, देखिए R वाली लाइन ऐसे जा रही है, M वाली लाइन ऐसे जा रही है, R एंड M कई पेयर्स बन रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के, सही है? यस सर। अरे कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई, कई लोगों का रिस्पॉन्स आ गया। यस बेटा फिर से समझा दो। आर एल भी बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है, कई पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, कोई अभी भी ज्वाइन कर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन हूज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए। ऐसी लाइन हमको बतानी है जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए के लिए क्यू और एल, क्यू इधर से एल इधर से, बिल्कुल सही, क्यू और एल लाइन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, द लाइन हूज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। आर एल, डी के लिए एक तो आर और एल, और एल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आर एंड एल, वेरी गुड। थ्री सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, डी ई एफ, अरे डी ई एफ एक ही लाइन पर है, ए बी सी एक ही लाइन पर है, ए बी सी, एच आई सी एल, सी एच के, और जी एच के ले लीजिए, जी एच के एक ही लाइन, बी आई ई आई जे के, ये सब एक लाइन पर है, देखिए बी आई ई, यस सर। और भी बॉक्स हैं, और भी बॉक्स हैं, और भी बॉक्स हैं, थ्री पेयर, अच्छा चलिए अगला। अब बतलाना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पी और आर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? जे, जे, वेरी गुड, पी और आर का, वेरी गुड, जे हो, पी और आर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया जे। अगला है L and P. H, H, H. L वाली लाइन ये है, P वाली लाइन ये है, तो H. बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? क्वेश्चंस देखिए, है तो कहने के लिए कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और लाइन सेगमेंट, लेकिन सच पूछिए तो इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आपको बहुत आसानी से इन मार्क्स को आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो मन लगाकर रिवीजन कीजिए, और मुझे लगता है हर तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में हो गया है। आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब आल्सो, इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन वॉच दिस वीडियो, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो सेशन ओवर करें। ओके सर, नो सर, ठीक है बेटा, तब आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए हर तरह के क्वेश्चंस को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सर आप कल भी करवाएंगे? नहीं, अब बेटा आप प्रैक्टिस करिए, आज इसीलिए मैंने क्लास ले लिया कि हर तरह के क्वेश्चंस को एक दिन पहले ही डिस्कस करूं। ओके सर, सर, हाँ इस रात बोलिए सर, हाउ आर ईच रीडिंग डी, क्या बेटा? सर हॉट्स, हॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको ब्रेन टीजर्स और चैप्टर को रेडी करना है, क्वेश्चन फ्रॉम हॉट्स विल नॉट कम, हॉट्स से नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट सर, गुड नाइट।